जी व्यूअर्स, लाला मूसा के फूड के सिलसिले में सबसे पहले अपने ही जो हमारे दोस्त हैं लाला मूसा के, उनकी रिकमेंडेशन पे हम पहुँचे हैं बिल्कुल लाला मूसा स्टेशन के करीब ही मौजूद गामा स्पेशल नान टिक्की। तो ये कीमे और सब्जी से तैयार करदा नान टिक्की है, यहाँ पे नान टिक्की भी है और भी देखते क्या चीज़ें हैं। तो आइए इस नान टिक्की को ट्राई करते हैं और उसके बाद जो हमारे जो दूसरे आइटम है लाला मूसा के हवाले से उसको भी हम ट्राई करेंगे। ये नान टिक्की बन रही है, और क्या आइटम होता है इसके अलावा? सिर्फ नान टिक्की है, नान टिक्की है, पकौड़े वगैरह नहीं होते। ये कब से है शॉप? ये तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए यहीं पे ये, या इससे पहले कहीं और भी होती थी? उधर थी पहले, उधर थी। अच्छा, अभी इधर आई है तकरीबन 9 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए। तो ये जो बुजुर्ग जिनकी तस्वीर लगी है ये कौन है? इनके वाले साहब हैं। अच्छा, वो वाले साहब हैं। हम तो शागिर्द हैं और इनके बेटे अभी। अच्छा, आप शागिर्द हैं। ये बेसन है ना? बेसन है ना, बेसन और सब्जी। बेसन सब्जी और कीमा है। मंगलपुर सब्जी सिर्फ होती है, वो क्या कीमा? आज क्या मिलेगा? आज कीमा, आज ही यहाँ मिलेगा। सही है, ये इन्होंने अपना एक सांचा बनाया हुआ है। हाँ जी, जिसके अंदर ये जो है उसका टिक्की का मसाला भर के ये बेसन में डाल रहे हैं और फिर बेसन से निकाल के इसको कढ़ाई में डाल रहे हैं। ये कितने की है नान टिक्की? 45 रुपए की। 45 रुपए टिक्की, 12 रुपए नान। आपका नाम क्या है? अब्दुल सलाम। आप तो यहाँ कारीगर हैं ना? ये मेन उस्ताद हैं? नहीं, मेन उस्ताद नहीं है। ये नहीं है मेन उस्ताद? कौन है मेन उस्ताद? आज नहीं आए, आज नहीं आए हैं। अच्छा, देर तक सही है। गामा नान टिक्की से हमने नान टिक्की खा ली है और इट वाज रियली डिलीशियस, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो अभी नान टिक्की खा के हमने, क्योंकि जोहर की नमाज़ अदा नहीं की थी, तो अभी हम मस्जिद एक में आए हैं, जोहर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद फिर अपने जो फूड के अगले स्पॉट की तरफ चलेंगे। जो हमारे दोस्त हैं वो कैमरे में आना नहीं चाहते, तो उनकी हम वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए जो है वो हम अपनी अपनी बना रहे हैं लाला मूसा की। ये लाला मूसा शहर की गलियाँ, ये आप देखें। व्यूअर्स, आपने लाला मूसा फूड के सिलसिले में, फूड लाला मूसा के फूड्स ट्राई करने के सिलसिले में अपने अगले स्टॉप पर पहुंच गए हैं, मेन जीटी रोड पर अशरफी स्वीट्स एंड बेकर्स अल मारूफ नोना हलवाई। तो इनकी खोए वाली बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये खोए वाली बर्फ़ी अब हम ट्राई करेंगे और साथ लेके भी जाएंगे। तो ये मेन जीटी रोड के ऊपर है, ये सामने आप देखें, ये मेन जीटी रोड चल रहा है और ये लाहौर से आ रहा है रोड,
और ये पिंडी की तरफ जा रहा है, खारिया की तरफ। तो इसी मेन रोड के ऊपर मौजूद है। इन्होंने लिखा भी है कि हमारी सिर्फ दो ब्रांचें हैं, एक बाज़ार के अंदर और एक ये मेन जीटी रोड पे। तो चले चलते हैं, इसको हम ट्राई करते हैं और इनकी जो खोए वाली पर्ची है उसके बारे में आपको बताते हैं। लाला मूसा ट्रिप में हम अपने आखिरी स्पॉट पे पहुंच गए खाने के, और ये वो जगह है जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो जगह है और यहाँ पे जो स्पेशलिटी है इनकी वो मैं ट्राई करूं, लेकिन कभी मौका नहीं लगा, कभी यहाँ से गुजरना नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी जगह है। ये है मेन जीटी रोड के ऊपर लाला मूसा से थोड़ा आगे मियाँ जी होटल, जिनकी देसी घी में बनी हुई चने की दाल बहुत मशहूर है। आपने अक्सर इमरान खान की अपोजिशन में जब वो होते थे उस वक्त की जो है वो वीडियोज़ और तस्वीरें देखी होंगी कि वो यहाँ पे वो दाल खाते थे। तो ये मियाँ जी होटल है, ये इनकी दाल चने की दाल देसी घी में बनी हुई बहुत मशहूर है। और मेरा कभी मौका नहीं लगा, कभी जीटी रोड के ऊपर इस तरह सफ़र नहीं किया या लाला मूसा आने नहीं हुआ, तो मैं इसको नहीं ट्राई कर सका। अब मैं आया हूँ यहाँ पे और आज चलते हैं इनकी ये चने की दाल देसी घी में बनी हुई ये ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसी है। वीडियो बहुत देखी है, सुना बहुत है, आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे खाने आया हूँ। जगह इनके पास बहुत बड़ी है, ह्यूज स्पेस जिसे कहते हैं वो इनके पास है। फैमिली हॉल्स है, मर्दों के बैठने के लिए अलग है, एक वीआईपी किस्म का सेटअप अलग है, एक नॉर्मल जो है वो सेटअप अलग है। तो बहुत ह्यूज स्पेस है इनके पास। अब तो बहुत ज़्यादा आइटम है इनके पास, मटन इनका एक स्पेशल आइटम है चने की दाल के बाद। तो हम तो यहाँ पर आए हैं सिर्फ चने की दाल खाने के लिए, जो कि एक तंदूरी पराठे के साथ सर्व होती है। ये तो दाल नहीं है, ये तो आपका ये आपका वाइट मटन है। ये भी मैंने देखी थी एक किसी की वीडियो, उसने जिया तबारक की देखी थी शायद। ये दाल है, इसमें जो आप घी मिक्स करते हो वो बाद में करते हो? बाद में नहीं, जब प्लेट में लगाते हो उस वक्त करते हो? नहीं, पकाते टाइम ही करते हैं। अभी ये तैयार हो गया ना, इसमें बाद में तड़का लगाएंगे देसी घी। अच्छा अच्छा, देसी घी। ये देसी घी है? ये नहीं, ये दूध है। ये तो दूध है, ठीक है, बाद में लगाएंगे। ठीक है, इसको घोटने के बाद फिर बाद में तड़का लगा। स्पेशलिटी है जिससे आप मशहूर हैं वो तो ये दाल और ये मटन वगैरह है ना, ये वाइट मटन है। ये कितने की प्लेट होती है? अच्छा, वो मैन।
शुक्रिया आपके का। तो भाई ये दाल आ गई है, तो मैंने बताया था कि ये चने की, एक्चुअली चने की नहीं, चना माश मिक्स दाल है ये, और देसी घी में बनी हुई ये दाल है। तो हमने साथ ये जो इनके तंदूरी पराठे हैं वो नहीं मंगाए, क्योंकि हम जो है ना पहले ही बहुत हैवी हुए हैं, तो इसलिए हमने जो है ना ये रोटी मंगाई है। साथ सलाद है, ये इसके अंदर अचार है। तो अब ये ट्राई करते हैं इस दाल को, जिसका बहुत अरसे से, बहुत सालों से मैं इंतज़ार था कि कभी यहाँ पे आना हो और ये दाल हम खाएं। तो लेट्स ट्राई। देसी घी का बहुत ज़बरदस्त जो है वो स्वाद आ रहा है दाल के साथ, और दाल भी अच्छी बनी हुई है, मगर जो देसी घी का जो स्वाद है ना वो एक अपना ही मज़ा दे रहा है, और साथ ये रोटियां, ये तो मेरी फेवरेट हैं। तो अब इंसाफ करते हैं दाल के साथ। ये नोना अशरफ स्वीट्स नोना हलवाई की ये स्पेशल बर्फ़ी, खोए वाली बर्फ़ी, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि आप इसको लेके चले जाएं, कई दिन तक इसको आप फ्रिज के बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगी। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं, इस बर्फ़ी को, जो कि सादा और पिस्ता बादाम दो फ्लेवर में थी, हमने घर के लिए पिस्ता बादाम वाली ली और अभी अपने खाने के लिए हमने ये सादा लिए। बहुत ही वीआईपी, अभी बहुत हैवी चीज हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा पा रहा हूँ, घर जाके खाऊंगा, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त ये। तो लाला मूसा में नान टिक्की खा ली, अशरफी नोना हलवाई की खोए वाली बर्फ़ी खा ली, मियाँ जी की दाल खा ली। तो फाइनली द ट्रिप ऑफ द लाला मूसा इज़ ओवर, और अब हमने वापस जाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को ही करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो लाला मूसा फूड के अगर पसंद आई है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।